एबीपीएस न्यूज सच का साथी। दिनांक 18-19 सितंबर 2018 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलरामपुर में नियुक्त ASIM अरविंद कुमार का स्मैक आदि का सेवन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेकर कार्यवाही करते हुए उक्त कर्मी को निलंबित कर दिया गया है तथा जाँच के आदेश दिए गए है। तो उसमें क्या कार्रवाई? वो देखिए, वो जो जिसके संबंध में ये प्रकरण आया है वह हमारे यहाँ लिपिकीय संपर्क का कर्मचारी है, जो हमारा हेड क्लर्क ऑफिस है वहाँ वह नियुक्त है। उसके संबंध में ये जानकारी मिली और आप लोगों के कुछ वीडियो वायरल हुए तो वो भी देखने को मिला, इसलिए प्रथम दृष्टया उसका दोष परिलक्षित हुआ, इसे तत्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और एक विस्तृत जांच किए जाने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं, जिसमें उसके कृत्य के संबंध में एवं अन्य बिंदुओं पर भी जांच होकर रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत की जाएगी, तदनुसार उस पर आगे और कार्रवाई की जाएगी। वैसे पूरे प्रकरण में जो निकल के आ रहा है कि कोतवाली देहात की पुलिस ने सही सूचना देने के बजाय गुमराह किया। मैंने कहा आपको कि वह जो जाँच मैंने ऑर्डर किया है उसमें इसके कृत्य के अतिरिक्त और भी जो मामले हैं सभी पे जांच करने के लिए कहा गया है, उसमें वो लोग भी शामिल हैं, उनके संबंध में भी जांच की जाएगी। ABPS न्यूज सच का साथी।